गौर ही गौर है ना, मैं कुछ नहीं दिख रहा है। ओ भाई साहब, गाइस वेलकम टू आगरा। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस बार मैंने सीधा निकलने से पहले व्लॉग स्टार्ट करा है। मैं रेडी वेडी हो चुकी हूँ एंड या एज यूजुअल वी आर गोइंग फॉर आवर न्यू ईयर ट्रिप। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बोला था कि हर न्यू ईयर हम किसी अलग जगह पे सेलिब्रेट करेंगे, तो आई एम फॉलोइंग दैट। आई डोंट नो इसको मुझे रेजोल्यूशन बोलना चाहिए या क्या, बट आई डोंट रियली बिलीव इन रेजोल्यूशंस। मुझे फिर वो एक लाइक अजीब सी फीलिंग आती है रेजोल्यूशन लेके, तो इट्स नॉट अ रेजोल्यूशन बट व्हाटएवर। मम्मी लास्ट जाते जाते भी काम करते हुए, हाँ जब तक हम आगरा पहुँचेंगे, ओह यस, तो हम वापस से हमारी मोस्ट विजिटेड जगह फॉर द थर्ड टाइम आगरा जा रहे हैं। बट इस बार डिफरेंस ये है कि हम पहले सिकंदरा जाएंगे जहाँ पे अकबर द ग्रेट का टॉम्ब है, एंड फिर फतेहपुर सीकरी। या ऐसे ऐसे मैं बता रही हूँ बट ये चेंज भी हो सकता है। तो या तो पहले दिन हमने सिकंदरा एंड फतेहपुर सीकरी सोचा है, और सेकंड डे हमारा सनराइज जो होगा वो ताजमहल पे होगा। लाइट्स ऑफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल बिग बॉस वाली फीलिंग आती है, वो फिनाले पे जाते हैं ना लाइट बंद करके। बिल्कुल ही विजिबिलिटी नहीं है, एज यू कैन सी कोहरा ही कोहरा है ना, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत खतरनाक कोहरा पड़ रहा है गाइस। गाइस जस्ट लुक एट द फॉग, जस्ट लुक एट दिस। हिल स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे मुरादाबाद में पूरा हिल स्टेशन बना हुआ है, तो यहीं आ जाओ बस। अभी बज रहे हैं आई थिंक सुबह के 7, वेट लेट मी चेक, इट्स 7:50 इन द मॉर्निंग। एंड गाइस लुक एट द फॉग, जो मेरी फेवरेट चीज़ है। जब मैं पिछली बार गई थी तब मैं सनराइज कर रही थी इस समय, एंड इस समय मैं फॉग कर रही हूँ। गॉड, दिस इज द बेस्ट 31st एवर, लाइक लास्ट 31st से भी ज़्यादा हैपनिंग ये वाला 31st मुझे लग रहा है। जबकि मैं लास्ट टाइम कहाँ गई थी, मसूरी पहाड़ों पर गई थी, तब भी ये फॉग नहीं था बस। हाँ बट इसकी वजह से हम थोड़ा लेट जरूर हो रहे हैं, बट और इसकी बातें वैसे करती तो सही है, लेकिन बात कहने का ढंग बहुत ही शानदार होता है, सामने वाले की कलेजी में अंदर तक बात चली जाए। हमने अभी एक राउंड लिया AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या फाइटर जेट का प्रोटोटाइप कहेंगे आई थिंक से। या ओ गॉड, ओ माय गॉड, लुकिंग सो अमेजिंग मैन, दिस लुक। ये प्रोटोटाइप है कि असली है? मैं भैया से पूछती हूँ, भैया ये मॉडल है या असली है? रियल है? क्या नाम है इसका? 2008 में आया था, लड़ाकू विमान है ये। 2008 में आया था जी। तो मतलब 2008 में लास्ट उड़ान भरी थी। तो गाइस भैया ने बोला कि मैं वहाँ जा सकती हूँ, जा रही हूँ। ओ भाई साहब, फाइटर जेट, मेरे वर्ड्स पे मत जाना बिकॉज आई एम सो स्पीचलेस राइट नाउ। ओ भाई साहब, खुलता नहीं है सच में। मेक 23 तो मतलब आज कैसे? अच्छा गार्डनिंग, थैंक यू भैया, बट आपने अलाव करा। मैंने अलाव करे, वैसे करता नहीं कुछ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया, थैंक यू। मम्मी
हम सो स्पीचलेस राइट नाउ. कैसा लगा? हम तो यहाँ आ चुके हैं क्रिकेट खेलने. आप यहाँ क्रिकेट खेलने? भाई साहब कितनी फ्रीडम थी ना, मतलब कितने बड़े थे. मैं इस मैदान में क्रिकेट खेलने आया था, ये गाइस तो आज आया है. ओके बाय मिक 23, बाय बाय. That was the real grave of Akbar the Great. जो अभी देख क्या रहे हैं वहाँ पे videos लेना allowed नहीं. कैमरा लाके सही काम कर रहा है, काफी डिटेल पिक्चर्स आ रहे हैं. बट ये ना कि ऐसी जगह पे धूप के टाइम पे नहीं आना चाहिए, बहुत शार्प एंड अजीब सी videos और फोटो आती हैं. बट beautiful. So guys, last shot के बाद से भाई साहब एक तो इसकी बैटरी गई, which means कि realme को बदलने का टाइम आ गया है. होटल वोटल में चेक इन करा, सो अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कहीं जाने की. सिकंदरा पे काफ़ी चलना पड़ गया एंड ये बूट्स ला के मैंने सच में बहुत बड़ी गलती करी है. लाइक मेरे पैर दुख रहे हैं बट कोई नहीं. सो छोटा सा रूम टूर दे देती हूँ कि कॉरिडोर है वहाँ से आते हैं. एंड ये हमारा स्पेशियस सा रूम है जिसमें 4 बेडेड रूम है ये, एंड मैंने ये वाला ले लिया है. एंड वॉशरूम एंड व्यू. हाँ पिछले बार की तरह यहाँ पे कोई टीन नहीं है. फिर दिस मिरर, ये पूरा इतना बड़ा मिरर, आई थिंक दिस इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ दिस रूम. मैं ना बहुत थक चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, तो बेयर विद इट. शट अप. घर पे हम अपनी कढ़ाई में बनाते हैं, हम अपनी कैटल में बना रहे हैं. टेस्ट में कढ़ाई स्टीम बहुत तेज लग रही है हाथ में. आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मैक्रोनी गाइस बन चुकी है, बहुत ही शानदार. मुझे मैक्रोनी बना के इतनी खुशी आज तक कभी नहीं मिली. And ignore my thakki hui shakal please. Orange is sent from above. Mini metro se jaane wale hain. Sadar Bazaar bahut hi famous market hai yahan Agra ka, aur usse chaat gali bhi hai wahan pe jahan pe different types ke fast food milte hain. So I feel it cool. तो ये इतना और भी ज्यादा डेकोरेट कर रखा है. मैं लास्ट टाइम आई थी तो तब इतना डेकोरेटेड नहीं था, बढ़िया न्यू ईयर की वजह से यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी इन लोगों ने लगा दी है. तो दिस इज दैट गली विच आई मेंशन्ड अर्लियर. सो देख लो यार कितना खचाखच भरा रहता है. एंड इसी से ही आइडिया लगा लो कि कितनी फेमस जगह है आगरा.
और शी इज सो क्यूट. व्हाट्स हर नेम? क्रिस्टी. क्रिस्टी. ओ आर यू फ्रॉम अनदर कंट्री या आर यू इंडियन? इंडियन. व्हाट यू आर लुकिंग सो फॉर ना? बाय. नाइस मीटिंग यू. बाय. अच्छा लगता है ना गाइस, मतलब ऐसे ऐसे फॉरनर्स, ऐसे फॉरनर में क्यों उसको बार बार फॉरनर बोल रही, बट वो उसकी शक्ल और उसकी वाइफ और बेटी सब फॉरनर ही लग रहे थे. बट अच्छा लगता है जब ऐसे लोग इंटरेक्ट करते हैं कैमरा को देख के, यू नो फ्रेंडली रहते हैं. बट ऐसे 100 में से बस 2 ही लोग होते हैं जो कैमरा फ्रेंडली हों, बाकी तो घूम घुमा के भाग जाते हैं. अरे अंकल कितना मस्त मजा रहे हैं. आगरा की बहुत ही फेमस जो स्वीट है पेठा, और ये है उस पेठे की स्पेशलिटी पंछी पेठा. तो ये बहुत ही फेमस जगह है. लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस. न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर, आगरा का पंछी पेठा. दिस इज द करेक्ट कंपैरिजन आई गेस. व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? उस्मान. हैप्पी न्यू ईयर उस्मान. बाय. पेठा शॉपिंग हो चुकी है एंड ये भर भर के ले लिए हैं इन्होंने. पंछी फेवरेट चीज है. किसका? लास्ट टाइम वहाँ से ली थी आइसक्रीम.